हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आलोक पड़ाल, फॉर्मेशन हेल्थ होम्योपैथी। आज के लिए मैं ये केस पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये केस है एक 27 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का, जिसको रेगुलर टाइफॉइड का प्रॉब्लम हो रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें साल में उसको 3 से 4 बार टाइफॉइड हो चुका है। तो वो पेशेंट जनरली, वो मेरा एक फ्रेंड है, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ से वो मेडिसिन लेके एंटीबायोटिक्स खा के ठीक हो जाती है। बट उसका कहना है कि इस बार मैंने एंटीबायोटिक्स नहीं लिया, मैं आपके पास आ गई हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली का पूरा इलाज मैं ही करता हूँ। तो वो पेशेंट आई मेरे पास और उसने अपनी तकलीफ़ बताई, तो तकलीफ़ आप ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रही है, क्योंकि हमें पेशेंट के वर्जन पर ही हमको रूब्रिक सिलेक्ट करने होते हैं ना। तो ये माइंड मेथड में ऐसे ही है, और काफ़ी टाइफॉइड अच्छा हैवी पॉजिटिव था, तो पेशेंट मेडिसिन के ऊपर भी थी, लेकिन उसका कंसर्न कुछ और था कि मुझे अच्छे से ठीक होना है, क्योंकि ये बार बार का टाइफॉइड नहीं चाहिए मुझे। तो अभी मैंने पूछा उसको, करेंट सिचुएशन पूछी कि तकलीफ़ क्या हो रही है। तो पेशेंट ने बताया कि बुखार, चक्कर, वीकनेस रेगुलर लगा हुआ है, और जो फीवर है रेगुलर कंटिन्यू बना हुआ है, बहुत परेशान है, बाल भी निकल चुके हैं, गिनते रहते हैं, 6-7 बार हो गया है टाइफॉइड इन अ ईयर, मतलब एक साल में उसको 6-7 बार टाइफॉइड हो चुका है, और वो एलोपैथी से ठीक हो जाती थी, बट इस बार उसने एलोपैथी चूज़ नहीं किया। उसको मैंने पूछा कि क्या लगता है, तो उसने बोला कि बस लेटे रहे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, कमजोरी लगती है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, सोच सोच कर बता रही थी वो अपनी तकलीफ़ को, 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो गया ये तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर के यहाँ गए थे तो ड्रिप भी लगवाई थी, पर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। जब उससे नहीं हुआ तो कोई आयुर्वेद का मेडिसिन किसी डॉक्टर ने दिया था, वो भी खाई, तो उससे आराम हो गया था, और एलोपैथ डॉक्टर ने कहा था कि ये 6 महीने तक उसको रेगुलर ड्रिप देनी पड़ेगी। तो फिर उसने वो डॉक्टर को चूज़ नहीं किया, वहाँ से दूर हो गई। अब उसने और क्या तक बताया कि लास्ट टाइम उसको तकलीफ़ हुई थी तो किसी डॉक्टर ने देसी दवाई दी थी, तो उससे उसके रामदेव बाबा का जो ट्रीटमेंट है उससे उसके सिम्टम चले गए थे, और वो हंसने लगी। वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है, खा नहीं पा रही है खाना, 8 दिनों से काफ़ी आराम है लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसको बुखार लगा रहता है, खाते हैं तो आराम हो जाता है, जो भी दवाई मेडिसिन लेती है तो उससे आराम फील करती है पेशेंट, लेकिन उसका फीवर ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आगे पेशेंट क्या बोलता है वो सुनिए। कमर दुखती है बहुत ज़्यादा, हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है, झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है, उठने में कमर दर्द होने लगता है, उल्टा पैर कमर से लेकर नी तक दर्द हो रहा है उसको, है ना, उपास व्रत से होता है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी मदर इन लॉ को आराम हुआ है, इसलिए उनने कहा कि यहाँ दिखा दो, तो वो यहाँ आई है। तो पहले दवा कराएं फिर देखेंगे, और हंसने लगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वो इस समस्या से, और उसने बताया कि समस्या को मैंने झरवाया भी है कहीं, मतलब कि झाड़ा फूकी का इलाज भी लिया है उसने, है ना, और लाफिंग हंसने लगी। किसी ने बोला था उसको कि झड़वा लो, तो उसने झड़वा भी लिया। ठीक है, तो देखिए आप, इस पेशेंट के लिए हम एनालिसिस करते हैं, तो हमने क्या क्या रूब्रिक लिए थे, तो बहुत सिंपल सिंपल, बहुत, अब देखिए, बार 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 यदि किसी को टाइफॉइड हो रहा है तो बार बार होने वाली जो समस्याएं हैं रेगुलर, उसको एक तो जब बार बार सेम परेशानी होगी तो मतलब वो बीमारी उसके पीछे पड़ गई है, छोड़ नहीं रही है, बार बार उसको पथरी होना, बार बार पेट दर्द की समस्या लगातार बने रहना या बन होना और ठीक हो जाना, होना ठीक हो जाना ये, लेकिन वापस आ जाना, तो जिसमें वो मतलब एक बीमारी उसके पीछे पड़ गई हुई है, तो इसके लिए आप रूब्रिक लीजिए डिल्यूजन परस्यूड ही वाज। ठीक है,
मतलब बीमारी उसके पीछे पड़ गई हुई। नंबर दूसरा आपको रूब्रिक लेना है डिल्यूजन परसिक्यूटेड, जब कोई पेशेंट 7 से 8 बार टाइफाइड होगा और आप जानते हैं कि टाइफाइड इतने लंबे टाइम से चल रहा है और लंबा लंबा पीरियड होता टाइफाइड का, ठीक ही नहीं होता, फीवरेस वीकनेस और जो उसको सिक फीलिंग का जो रहता है वो कंटिन्यू बना रहता है, तो इसमें पेशेंट परेशान हो जाता है, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, दूसरा रूब्रिक हमने ये लिया था, है ना। अब वो कह रही है हमको इसको अच्छे से इलाज कर दीजिए, तो ये कैरीड डिजायर टू बी कैरीड हुआ। अब पेशेंट सुपरस्टिशियस भी है, कैसे कि उसने झाड़ा फूकी और जिसने जो बताया कि वहाँ चले जाओ ऐसा कर लो, तो वो उसने वैसा किया और झाड़ा फूकाई भी करी, तो ये सुपरस्टिशियस है पेशेंट, ठीक है। और कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, तो ये एवर्जन एवरीथिंग हुआ। और कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसके लिए हमने रूब्रिक लिया था सिंपल डिल्यूजन पुअर। और इस सारे रूब्रिक को कैलकुलेट करने के बाद जो मेडिसिन आती है सिंपल मेडिसिन होती है स्ट्रामोनियम। और मैं रियल बताऊँ आपको तो स्ट्रामोनियम वेरी कॉमन रेमेडी है आपके क्लिनिक पे और फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट के आपको वर्जन को आपको समझना होगा। तो यदि स्ट्रामोनियम का स्टेट लग रहा है तो आप स्ट्रामोनियम दीजिए। उसके बाद पेशेंट को मैंने 30 का 3 डोज दिया है और बीच में एक बार और रिपीट करना पड़ा है। उसके बाद आज 1.5 साल हो गया उसको टाइफाइड नहीं हुआ है और उसका उसी से उस टाइम पे टाइफाइड भी ख़त्म हो गया था और जो उसका फ्रीक्वेंसी है बार बार होने का जो टेंडेंसी है वो भी इसी मेडिसिन से चेकआउट हो गया। तो फ्रेंड्स ये है, यदि आप बराबर से मेडिसिन को समझ लेते हैं, पेशेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद देने वाली जो मेडिसिन है उसको समझ लेते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट आप पा सकते हैं होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी बहुत फास्ट है और बहुत सिंपल भी है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेशेंट और उसके इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स, जो पेशेंट का वर्जन है उससे रिलेटेड रूब्रिक्स और सिलेक्ट प्रॉपर पोटेंसी एंड प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट, यू विल गेट फास्ट रिजल्ट एंड ऑलमोस्ट यू विल गेट परमानेंट रिजल्ट फॉर द स्टेट ऑफ द पेशेंट। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, थैंक फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।